शाखों पर पत्ते कम और लाशें ज्यादा लटक रही थी। ससैया का घर और खानदान भी इस आग के जद में आए बिना नहीं रह सका। सही कह रही थी, ये सैयद अहमद की माँ का संदूक जहाँ खुला पड़ा है। सैयद अहमद, तुम ही ले लो, बालों में लगा लो। इस लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे कि आप भी यही करेंगे? हमारे तो आमान ही कुछ ऐसे है, पर अल्लाह ने सारे उमरान बिठा दिया है। हमें कहां लिया जाए, आसी के तख्ते पर या तख्त के कहां लगा, और ये भी खुदकुशी से ज्यादा कत्ल होगा, क्योंकि हमारी खुशी की तकरीरों से जोश में आ सब भी। कौन सी ऐसी शाम गुजरी जब मौत ने हमारा पीछा नहीं किया? अरे हम पर तो दोनों तरफ से मार दी, लेकिन मैं अपने खौफ को अपनी कुवत बनाना चाहता हूं, जिससे भलाई और हमदर्दी के काम किए जा सके। अपने अभी जाकर उनसे कहूंगा कि अपने व्रत का सिलसिला खत्म कर दे, उनके जेठ जी को कुछ नहीं होने वाला। आशा बेगम, देखा आपने अपने राखी भाई और भाभी की मोहब्बत का क्या है? अल्लाह आपको खुश रखे, मैं अभी माँ की भाभी के लिए मिठाई भिजवाती हूँ। हम तो आजाद हो गए भाई। रोटेशन ऑफ अर्थ पर एक किताब लिखी, मदरसा कायम किया था गुलशन स्कूल। आप मौलवी राहत साहब, आपका ताल्लुक गाजीपुर से है और हमने वहां पर विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल कायम किया। आप दोनों हजरात बनारस से तशरीफ लाए हैं, राजा शंभू नारायण और राजा शिव प्रसाद। हमने बनारस में होम्योपैथी को हॉस्पिटल कायम किया था। आप नवाब जैनुल आबिदीन, नवाब विकारुल मुल्क, किसी ने क्या मुंह कहा है? इंसान के दो हिस्से हैं, एक उसका अकीदा है, उसका ईमान है, उसकी श्रद्धा है, उसका खुदा है या उसका भगवान है जिसकी परस्तिश करता है या इबादत करता है या पूजा करता है। दूसरा हिस्सा उसका वो है जो आपसी भाईचारे, मेल जोल, लेन देन, खानदान, दोस्त अहबाब और मुल्क से। तो हम खुदा के हिस्से को मशहूर रईस सैयद अहमद खान और राय शंकर दास मौजूद है। अगर तुम हमारे बेटे ना होते तुम्हारी हमारे नबी पाक की शान में उस्तादी करते हुए एक नाजायज खिताब उठाए और हम
हम यहाँ हाथ के हाथ खड़े बैठे और है। किया समझो उसने सारे आरब के इंसानों का कत्ल। विलियम म्योर ने किताब लिखी है ना, तो विलियम म्योर की किताब का जवाब किताब से दिया जाएगा। कलम का जवाब कलम से दिया जाता है, तलवार से नहीं। कौन देगा किताब का जवाब? किताब से मैं लिख रहा हूँ। विलियम म्योर ने अपनी किताब में रेफरेंस जब भी मैंने कोई उमदा चीज देखी, जब भी मुहज्जब आदमी को देखा, जहाँ कहीं उमदा मकाना देखे, जब कभी खेल कूद ऐशो आराम के जलसे देखे, यहाँ तक कि जब कभी किसी खूबसूरत शख्स को देखा, मुझको हमेशा अपना दिल कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की आलीशान इमारतों से गुजरे। जब बेल हिल के लेक्चर रूम के दिन इनका सवाल और हश्र में हमें इनका बदला मिल सके। अगर मेरा ख्याल सही है तो इंसान ये नेकी के काम खालिस खुद गर्जी के तहत करता है, इसमें खुदा की मखलूक की हमें कॉलेज बना उसी के लिए चंदा मांगने के लिए। जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसकी एक बेदारी के लिए मुनासिब जगह हो। रामू तू कहाँ मर गया था बे? दरवाजा काहे बंद था? नहीं हमने खुल पाएगा अपनी बिल्कुल ठीक कह रही आगे पीछे आज किसी ने बख्शी जाना तो उधर से ये वाला द्वार नहीं खड़ी मत वो बुजुर्ग यहाँ से भी गुजरे, हमने झुमके सलाम को कहा पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्हें इल्म और हुनर से सरफराज कर आमीन। मेरी मेहनतों को कबूल कर आमीन। Thank you.
कब्रिस्तान की जमीन पर और दूसरी बार की छाने खुसरो का यही विदाई ये सुनकर मेरे पूरा खानदान लेकिन मुझे क्या मालूम था वो बच्ची अपने बाप को आखिरी बार दिल भर के देखना चाहती है। मुझे मालूम था होता कि वो मेरे जाने के बाद से जो दुआने का फायदा हुआ है उसकी रसीद आपको दे दूंगी। औरत के पैरों के नीचे जन्नत है बेटा, हम भी कदर करते हैं और आप भी कदर कीजिए। ऐसी गांव के चलिए कि आने वाली नस्लों को नेकियां कमाने में सहूलत हो। अगर मर्द जाहिल हो तो वो चंद लोगों का नुकसान करता है, मगर औरत जाहिल हो तो वो नस्लों को तबाह करता है। Thank you.